तो इंडियन बेसिकली हमें नज़र इसी वजह से आते हैं क्योंकि उनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरी दुनिया में वेल रिनाउंड है, लोग उन्हें जानते हैं और उन्होंने जाके परफॉर्मेंस भी दी हुई है। आप चाहें आप माइक्रोसॉफ्ट बनाइए, यूट्यूब बनाइए, तो वो इंडियंस ने बनाई है ना, वहाँ जाके काम किया, अपना नाम बनाया है। उनकी जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट है वो इतना वेल डिवेलप्ड है कि एक वहाँ पर दुनिया का एक इतना दुनिया को भी नज़र आता है कि वहाँ पर इतना स्ट्रक्चरल एक एजुकेशनल सिस्टम बना होगा तो दुनिया जाहिर सी बात उसे प्रेफर करेगी। अभी तो देखना पड़ेगा ना, हम तो चले इंडिया के आगे जाने की क्या, हम तो पीछे जा रहे हैं, उनके आगे जाने की रीज़न क्या। 95 में इंडिया ने अपने बेंगलोर सिटी को, बेंगलोरो जिसे आप कहते हैं, उसे आईटी सिटी डिक्लेयर कर दिया था। ऐसे ही है, 20-30 साल के अंदर उनकी 100 बिलियन डॉलर से ज़्यादा उनकी एक्सपोर्ट्स हो चुकी हुई हैं। यहाँ पे आपकी आईटी की एक्सपोर्ट्स, हालांकि पाकिस्तानी स्टूडेंट, पाकिस्तानी जहीन कौम जो है वो सेकंड नंबर पे जहानत रखती है। कोई बंदे का खानदान बड़ा है तो उस बंदे को प्रेफर किया जाता है, इसीलिए इंडिया को एक बड़ा मुल्क समझा जाता है क्योंकि वो डेवलप्ड है, पाकिस्तान से ज्यादा डेवलप्ड है। उसकी रीज़न ये है कि उधर आबादी ज़्यादा, इसलिए आबादी ज़्यादा नहीं है, उसकी गवर्नमेंट पावरफुल है, उसकी गवर्नमेंट पावरफुल होने की वजह से उधर के लोगों को प्रेफर किया जाता है। ये भी ये भाई ने बोला उनकी गवर्नमेंट पावरफुल है, कैसे पावरफुल होगी, 1947 वो आजाद हुए, 1947 हम उनसे अलग हुए, मतलब। और अगर हम बाहर जाना चाहते हैं, हमने देखा है कि मोस्टली जो हमसे बाहर जाते हैं ना पाकिस्तान से, वो कोई स्किल के विदाउट एनी स्किल चले जाते हैं। ऐसे ही है। हमें चाहिए कि कोई स्किल सीख के जाए, वहाँ से पैसा लाए, फिर यहाँ पे इन्वेस्ट करके अपना बिजनेस उसी स्किल पे डेवलप करें। 100% अभी पिछले दिनों हम सुन रहे थे जी कि 72 अरब डॉलर जो हैं वो पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी आएगी। अगर इस्लामिक निज़ाम आ जाएगा, सूद का सिस्टम खत्म हो जाएगा, ये तो पहले नंबर पे हमें सारे बैंक बंद करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद वर्ल्ड बैंक, IMF या जितने भी कंट्री से हम लोन पे पैसे लेते हैं, कैसे देंगे, ये मैं आपको बताता हूँ। अफगानिस्तान का तमाम इन्हिसार आपके ऊपर ही है, उन्होंने रहना आपके मुल्क में, गुजरना आपके मुल्क से है, तिजारत आपके मुल्क से करनी है, तो आप नहीं कर सकते। मैं एक डॉक्यूमेंट्री थी या किसी का लिखा हुआ था कि पाकिस्तान की मईशत अगर 8,000 अरब रुपए की है तो उनमें से 3,000 अरब रुपए अफगानिस्तान का हिस्सा है। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान को किसी से एजुकेशन सिस्टम सीखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। इनके पास खुद इस्लामी सिस्टम है, वो इस्लामिक एजुकेशनल सिस्टम को लेके आए, उस जब उसको लेके आएंगे ना तब ये, क्योंकि पाकिस्तान तरक्की इस वजह से नहीं कर पाता कि ये इस्लाम के वो ना मानने की वजह से ना उसके दरमियान में फंसे हुए, और ये लोग कहते हैं हमारा मुल्क, देखें जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनकी तरक्की की रीज़न क्या है कि उनके अपने करीबी ममालिक के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। हमारे तरफ एक तरफ ईरान मौजूद है जिसकी हमें सस्ती चीज़ें मिल सकती हैं, पेट्रोल मिल सकता है, वो बेशुमार मसनूआत हैं, वो उनके ऊपर पाबंदियाँ थी, वो अपने सब कुछ अपने मुल्क में खुद बनाते नहीं। तो सर इधर भी एक बात आती है, आपने बोला उनके ऊपर पाबंदियाँ थी, रशिया के ऊपर भी पाबंदी लगी ऑयल के हवाले से, इंडिया ने और कंट्री, मतलब इंडिया ने खास तौर पर ऑयल लिया, तो ईरान हमारा इस्लामिक कंट्री ने। आपको क्या लगता है कि जॉब अपना डिग्री के बाद जॉब आपको मिलेगी, मतलब होता है ना अपने सीनियर्स को देखते हैं कि उन्होंने डिग्री कम्प्लीट की, वो जॉब कर रहे हैं पाकिस्तान में या बाहर जाना पड़ता है? मुझे तो बेसिकली ऐसा लगता है कि जैसे मुझे डिग्री हो तो मैं बाहर जाऊंगा, प्रेफर करूंगा। ठीक है। उसके पीछे कई वजूहात हैं कि बेसिकली मैं इसलिए बाहर जाना चाहता हूं क्योंकि अगर मैं पाकिस्तान में रहता हूं तो शायद अगर मैं बिजनेस करना भी चाहूं तो मैं उतनी रिसोर्सेज के साथ बिजनेस एस्टेब्लिश नहीं कर पाऊंगा। और उस तरीके से आपको वो प्लेटफॉर्म या उस तरीके से वो चीज़ें नहीं प्रोवाइड की जाती कि आप अपने बिजनेस को भी ठीक तरीके से कर पाओ, लेकिन इनकी सोच से को मैं अप्रिशिएट करता हूं। देखिए अगर हम यही सोच के बाहर चल जाएंगे। अच्छा, अब टॉपिक ये है कि US जैसे जो कंट्रीज़ हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई हमें जो लेबर चाहिए या उनकी जो कंपनीज़ हैं उनमें वर्कर या उनकी कंपनीज़ को चलाने के लिए जो एम्प्लॉयज़ चाहिए वो इंडियंस चाहिए, पाकिस्तानी जो उनसे हैं बड़ी तादाद में बाहर जाना चाहते हैं, पैसे लगा के जाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को उस तरीके से ना तो वो एक मैनेजिंग पोस्ट में जॉब दी जाती है उन्हें, ना ही जो है वो अमेरिका का वीज़ा, US का वीज़ा इजीली मिलता है। क्या रीज़न इसकी समझते हैं? इसके पीछे मुझे तो लगता है बेसिकली जो रीज़न है वो हमारा, एक तो जो हमने अपना नाम बनाया हुआ है दुनिया में उसकी वजह से हो सकता है, क्योंकि हमने वहाँ जाके ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए हुए हैं कि उनको ऑलरेडी पता है कि पाकिस्तानी जो है ना वो कोई ना कोई बीच में धोखा कर देंगे या कुछ इस तरह से फ्रॉडुलेंट कोई एक्टिविटी कर देंगे जिसकी वजह से ना उनको लॉस होगा, कंपनी को लॉस होगा तो वो अपने लॉस को बचाने के लिए वो एक ऐसा लॉयल बंदा ढूंढना चाहते हैं बेसिकली, जिसके वो थोड़ा सा अगर वो किसी को पॉलिश कर रहे हैं तो वो उनके काम भी आए। ऐसा इंडिया की अगर बात करें वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बेहतर है, ये क्या वजह है कि दूसरे कंट्रीज जो उनसे हैं वो क्या चाहते हैं कि भाई इंडियंस आगे काम करें, और बड़ी बड़ी जो उनसी अगर हम माइक्रोसॉफ्ट कंपनीज की बात करें, बड़ी बड़ी हम जो उनसी है वो इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करें, इंडियंस हमें नजर आते हैं? तो इंडियन बेसिकली हमें नजर इसी वजह से आते हैं क्योंकि उनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरी दुनिया में
वेल रिनाउंड है, लोग उन्हें जानते हैं और उन्होंने जाके परफॉर्मेंस भी दी हुई है। आप चाहें आप माइक्रोसॉफ्ट बनाइए, यूट्यूब बनाइए, तो वो इंडियंस ने बनाई है ना, वहाँ जाके काम किया, अपना नाम बनाया है। उनकी जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट है वो इतना वेल डिवेलप्ड है कि एक वहाँ पर दुनिया का एक इतना दुनिया को भी नज़र आता है कि वहाँ पर इतना स्ट्रक्चरल एक एजुकेशनल सिस्टम बना होगा तो दुनिया जाहिर सी बात उसे प्रेफर करेगी। जाहिर बात है हर कोई कंट्री अपने वहाँ का फ़ायदा सोचेगा और उन्हें वहाँ जहाँ पर भी अपनी कंट्री का फ़ायदा नज़र आएगा उन्हीं के साथ डील करेंगे। यही सेम क्वेश्चन आपसे, क्या वजह है कि इंडियंस को जौन सा है वो कभी हम इसराइल की खबर सुनते हैं कि भाई जौन सा वहाँ पे 1 लाख वीज़ा जौन सा उन्होंने इशू कर दिए हैं या वो कह रहे हैं कि इंडियन वर्कर आए, कभी अभी यूएस की खबर सुन रहे हैं, क्या इसकी रीज़न है? सर पहली चीज़ तो ये इसराइल के बारे में मैं नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान को इसराइल के लिए कोई वीज़ा ज़रूरत ही नहीं है। दूसरी चीज़ वो एक अलग टॉपिक है, उसके ऊपर तो मैं ये नहीं कह रहा कि जहाँ हमें उन्होंने बुलाया। यूएस के बारे में बताता हूँ, सऊदी के एग्जाम्पल ले लें कि जिस तरह पाकिस्तानी वर्कर जाते हैं और बांग्लादेशी वर्कर जाते हैं और इंडियन, हाँ जी और इंडियन जाते हैं, तो मैंने ये सुना है कि भाई जो पाकिस्तानी जाते हैं ना वो ज़्यादा पैसे डिमांड करते हैं और जो बांग्लादेशी हैं वो हार्ड वर्कर भी ज़्यादा हैं। इधर के लोगों की थोड़ी सी एजुकेशन की कमी की वजह से, इंडिया से इनकी एजुकेशन कम है, इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा डेवलप्ड है, तो उधर के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं इधर के लिहाज से, तो उनको जॉब भी ज़्यादा प्रेफर की जाती है और वो हार्ड वर्किंग भी ज़्यादा है। इधर के लोग जो हैं वो सिर्फ चाहते हैं कि हम बाहर जाएँ और बाहर जाके हमें खुशहाली आ जाएगी, लेकिन वो काम के लिहाज से थोड़े से कम। ऐसे यानी पाकिस्तान में कंसेप्ट ये बना दिया गया है कि भाई आपने बाहर जाना, शायद बाहर दरख्तों पे पैसे लगते हैं, यूएस में या किसी भी ऐसे कंट्रीज में आप चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया या इस तरह के कंट्रीज में आप जाएंगे, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन उससे जो इन्होंने बात किया कि भाई हमने अपना इमेज क्या इंटरनेशनल लेवल पे बनाया, ये बहुत मैटर करता है, हमारा इमेज क्या है और ये इमेज क्या सिर्फ जो बाहर लोग जाते हैं उनसे बनता है या हमारे इंटरनल मैटर्स को भी दुनिया देखती है, इंडिया के इंटरनल मैटर को, बांग्लादेश के इंटरनल मैटर्स को लोग देखते हैं कि भाई उनके वहाँ पे स्टेबिलिटी है, वहाँ पे लीडरशिप है। यस सर, ये चीज़ तो देखी जाती है कि मुल्क की स्टेबिलिटी कितनी है। अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो उसका असर, एक तो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का असर, जिस तरह किसी के कोई बंदे का खानदान बड़ा है तो उस बंदे को प्रेफर किया जाता है, इसीलिए इंडिया को एक बड़ा मुल्क समझा जाता है क्योंकि वो डेवलप्ड है, पाकिस्तान से ज्यादा डेवलप्ड है। नहीं, उसकी रीजन ये है कि उधर आबादी ज्यादा है इसलिए बड़ा, आबादी ज्यादा नहीं है, उसकी गवर्नमेंट पावरफुल है, उसकी गवर्नमेंट पावरफुल होने की वजह से उधर के लोगों को प्रेफर किया जाता है। ये भाई ने बोला उनकी गवर्नमेंट पावरफुल है, कैसे पावरफुल होगी? 1947 वो आज़ाद हुए, 1947 हम उनसे अलग हुए, मतलब सफ़र इकट्ठे स्टार्ट किया, कैसे वो मोर पावरफुल हो गए, कैसे वो मोर डेवलप्ड हो गए, कैसे वो जो उनसे दुनिया में उनकी वैल्यू ज़्यादा हो गई, हमारी नहीं हुई। बेसिकली इसके पीछे उनकी जो गवर्नमेंट है उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा थी, हमारी गवर्नमेंट में हम एक दूसरे की कास्ट के पीछे पड़ गए, एक दूसरे के पीछे पड़ गए, हमने मज़हब के पीछे पड़ गए, हम लोग रिलीजियस एक्टिविटीज़ में इतने इन्वॉल्व हो गए कि हमने अपने मुल्क को ही तबाह कर दिया। उन लोगों ने ऐसा नहीं किया है, वो अपने अपने इंडिया को इतना सपोर्ट करते हैं, अपने मुल्क को वो ज़्यादा सपोर्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू किसी कास्ट या किसी रीजन के अलावा। मतलब हालांकि हमारे मीडिया में यही दिखाया जाता है वहाँ पर हिंदू मुस्लिम फसाद ये वो चीज़ें, ये पता नहीं कोई 80s का 70s के दौर में ऐसा भी कुछ होता हो। अभी मेरी जहां तक नॉलेज है मैं ये समझता हूं कि वहां पे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, वो इंडिया को यानी अपने कंट्री को पहले प्रेफर करता है। बेसिकली जहां पे यहां पे जितने मुस्लिम्स हैं ना उससे ज्यादा इंडियन इंडिया में मुस्लिम्स हैं, तो वो लोग जब वहां पे रह रहे हैं खुशी से तो उसका मतलब यही है ना कि उनको वहां पे सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, उनको सेफ्टी वहां पे है तो वो वहां पे रह रहे हैं ना। दूसरे नंबर पे वो जब लेट्स सपोज यहां से हम वीडियो रिकॉर्ड करें, यहां पे मैं कहूं कि भाई वहां बहुत जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे, वो आगे से 100 लॉजिक देते हैं, वो कहते हैं बताओ कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे मुस्लिम नहीं है, चाहे बिजनेस की बात कर लो, इकॉनमी की बात कर लो, आप इंटरटेनमेंट की, स्पोर्ट्स की, शामी हैं वो, और इसके अलावा और बहुत से हैं, सिराज है, ये चीज़ें तो हमारे यहाँ पे वो पूछ लेते हैं, आप बता दें, आप मुझे बताएं पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ को लेके या हिंदूज को लेके मुझे 5-6-10 नाम बता दें। हमें तो बिल्कुल एक नाम नहीं याद है, इवन के जो नाम याद होते हैं उनको भी हमने गिराया होता है इतना के मतलब वही बदनाम वाले नाम याद होते हैं, कोई ऐसा कोई रिनाउंड नेम हमें याद नहीं होगा कि कोई इंडियन को हमने इतनी सपोर्ट, हिंदू को मतलब जो बेसिकली हिंदू को, कोई हिंदू हमने इतना ज़्यादा कुछ किया हो ऐसा मुझे याद नहीं। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने बात अथेंटिक की है कि भाई वो अपनी यूनिटी के साथ चलते हैं, नो डाउट उनकी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो बेहतर हैं, स्टेबिलिटी है, ये बहुत बड़ा एक एलिमेंट है, बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी कंट्री के जो इमेज है पूरी दुनिया में बेहतर होने का कि उनकी गवर्नमेंट स्टेबल होती है। हमारे यहाँ पे 75-76 साल में कोई एक प्राइम मिनिस्टर भी अपना टाइम पूरा नहीं कर पाया, क्या समझते हैं यूनिटी भी एक बड़ा हथियार है? यूनिट तो है, लेकिन मैं एक और पॉइंट बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी बंदा जो है ना वो पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए काम नहीं कर रहा। जिस तरह हम अपनी यूनिवर्सिटी को ले लेना, जैसे युवास है, तो हम युवास के बारे में सुनते हैं कि उसके अंदर से जो DVM डॉक्टर निकल रहे हैं ना वो ज्यादातर प्रेफर करें कि बाहर जाएं, उनको इंग्लिश सिखाई जाती है। तो मैंने बात ही यहां से स्टार्ट की कि मतलब लोग बाहर जाना चाह रहे हैं। ये कुछ ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि भाई हमने यहां बिजनेस करना है, मोस्टली 90% ऑलमोस्ट यही कहेंगे कि हम फॉरेन किसी कंट्री में जाएं। सर उनको ये नहीं सिखाया जाता कि आप सबने किसी ने भी बाहर नहीं जाना, बल्कि पाबंदी होनी चाहिए कि कोई बाहर ना जाए, सबको यहीं पे बिजनेस डेवलप करके दिया जाए,
और डेवलप करने में मदद भी की जाए ताकि पाकिस्तान का मैं ये समझता हूँ कोई भी शौक से बाहर नहीं जाना चाहता, कोई भी शौक से अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया इस तरह नहीं, बहुत कम लोग होंगे लेकिन वो जाते इस वजह से, उन्हें पता है कि भाई पाकिस्तान में जॉब नहीं मिलनी, पाकिस्तान में बिजनेस स्टार्ट करेंगे उस तरीके से बिजनेस को जो उनसे हम प्रमोट नहीं कर पाएंगे, इसके अलावा और बहुत से टैक्सीज बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जो फेस करना पड़ेंगे, तो फिर पाबंदी लगा के उल्टा गवर्नमेंट मजीद बेरोजगारी बढ़ा देगी। नहीं सर, बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी, अगर गवर्नमेंट इनको थोड़ा सा फैसिलिटेट करे, फर्ज करें कि एक फार्म बनाती है उसके ऊपर कई वर्क करेंगे, उससे एक और फार्म बनेगा, उससे एक और, तो ये लोग कोई सिस्टम पाकिस्तान के लिए बना नहीं रहे। इसके अंदर जो मुझे लगता है ना, मुझे ये लगता है कि बाहर के जो लोग हैं ना वो पाकिस्तान के ऊपर वाली जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसको कंट्रोल करके पाकिस्तान के नीचे वाले सेक्टर को कोई भी डेवलपमेंट होने नहीं देता। अगर कोई डेवलपमेंट होने लगती है, कोई डैम बनने लगता है, कोई पाकिस्तान के अंदर कोई नई ईजाद कर देता है तो उसको दबा दिया जाता है, उसका नाम ही नहीं किसी को याद रहता। आपकी इस सारी बात को अगर मैं शॉर्ट करूं, आप ये कहना चाह रहे हैं जो हमारे यहाँ पे कंसेप्ट या एक बात की जाती है जो करा रहे हैं अमेरिका करा रहे हैं, यानी आप ये बात नहीं है, ये बात नहीं है, ये बात इस तरह है कि उनकी एजेंसियाँ पाकिस्तान के अंदर वर्क करती हैं और वो ऊपर वाले जो सतह है उसके ऊपर पाकिस्तान की जो बेटरमेंट हो रही है और उनको और ये भी कंट्रोल रखते हैं कि भाई पाकिस्तान के अंदर कोई भी अच्छा सियासतदान ना आए, ये भी वो कंट्रोल रखते हैं कि ये सारे आपस में लड़ते रहें ताकि कभी भी ये तरक्की ना कर सके। मेन वजह तो एजेंसी है, नंबर वन एजेंसी हम कहते हैं, तो हम मतलब उन चीज़ों को हम उनको मैनेज करें, अगर यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है उसे रोकें और पाकिस्तान को प्रमोट करें, यूनिटी लाएं। हम तो सबसे बड़ी बात यूनिटी नहीं ला सके, जिस कंट्री में या जिस घर में यूनिटी नहीं होगी वो वहाँ पे इत्तेफाक नहीं होगा, वो आगे नहीं बेहतरी की तरफ जा सकता। इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है, तो बिल्कुल सही बात की। और जैसे कि भाई ने बोला कि अगर गवर्नमेंट सपोर्टिव हो, फॉर एग्जाम्पल अब मैं 5 ईयर डिग्री करके जा रहा हूँ और इतने पैसे लगा रहा हूँ, ये पैसे लगा रहा हूँ और मुझे अगर गवर्नमेंट एक लोन भी नहीं दे पा रही है, मुझे उस पर इंटरेस्ट इतना लगा रही है कि मैं वो नहीं चाह रहा, तो मैं बाहर ही जाऊंगा। या तो इतनी सपोर्टिव हो कि उधर यहाँ से 250-300 ग्रेजुएट्स हैं तो उनके लिए कुछ ना कुछ, एक नया ग्रेजुएट आ रहा है उसके लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी तो हो ना, ऐसे ना हो कि वो जो ओल्ड हमारे पास वही चीज़ें हों जिनको हम के इसी को यूटिलाइज करते रहो, तो एट टाइम आएगा कि सैचुरेशन इतनी हो जाएगी कि सबने बाहर ही जाने, फिर मैनेज नहीं हो पाएगा। और अच्छा बड़ी बात, अब ये तो वो बात है ना, बाहर ना जाएं, यहाँ पाकिस्तान में करें, जॉब करें, बिजनेस करें और पाकिस्तान को स्टेबल करें। अब मेन इश्यूज पे, मेन जो इशू है उस पे आते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं कि यहाँ से पाकिस्तानी भी बाहर चले गए, यहाँ से बंगाली भी मतलब अपने बांग्लादेश से बाहर चले गए जॉब के लिए और इंडियंस भी चले गए। मेन अब मेरा पॉइंट ये है कि हमें जॉब नहीं मिलती या हमें वो प्रेफर नहीं करते, उन्हें वो जॉब दे रहे हैं इंडियंस को, इसकी क्या लॉजिक है, इसका क्या हल है? मतलब ये अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करें या अपने जो उनसे कह लें कि अपने इखलाक को बेहतर करें, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को बेहतर करें। मुझे लगता है कि हमें डिसिप्लिन होना पड़ेगा थोड़ा सा पड़ेगा। और अगर हम बाहर जाना चाहते हैं, हमने देखा है कि मोस्टली जो हमसे बाहर जाते हैं ना पाकिस्तान से, वो कोई स्किल के विदाउट एनी स्किल चले जाते हैं। ऐसे ही है। हमें चाहिए कि कोई स्किल सीख के जाए, वहाँ से पैसा लाए, फिर यहाँ पे इन्वेस्ट करके अपना बिजनेस उसी स्किल पे डेवलप करें। 100% तो हम लोग विदाउट एनी स्किल जाते हैं और फिर कहते हैं कि वहाँ जाके सीख लेंगे, कुछ कर लेंगे, फिर वहाँ पे हमें मजदूरी, वहाँ पे जाके हम टैक्सी चलाते हैं या हम पंप पे जॉब करते हैं या इस तरीके से और भी कुछ ऐसे काम है जो करते हैं जो मैं नहीं जिक्र करना चाहता। इनकी बात से एग्री करते हैं कि हमें स्किल, और ये मैं समझता हूँ इंडिया वाले ऐसा करते हैं वहाँ पे, वो पहले मेन चीज़ यही है मेरे ख्याल में कि स्किल्ड पाकिस्तान से लोग बहुत कम जाते हैं और इंडिया के अंदर वही मैंने आपको बताया कि एजुकेशन बहुत हाई है, तो उनका जो ज़्यादातर बंदे जाते हैं वो एजुकेटेड होते हैं उसके अंदर, स्किल्ड होते हैं। यस सर, स्किल्ड होते हैं तो उनको जॉब भी जल्दी मिलती है और वैसे डिसिप्लिन भी एक इसके अंदर आ जाता है कि पाकिस्तान के लोगों के अंदर डिसिप्लिन भी आजकल बहुत खराब हो गया। उसकी क्या वजह है? मतलब उसमें भी क्या मतलब हम ये कह देंगे गवर्नमेंट जिम्मेदार है, या उसमें तो हमारी अपनी गलती है ना, अगर हम बेईमानी करेंगे, फ्रॉड करेंगे, झूठ बोलेंगे तो उसमें भी गवर्नमेंट जिम्मेदार है। यस सर, एक हद तक गवर्नमेंट जिम्मेदार है, क्योंकि सिस्टम जो ऊपर से सिस्टम है ना वो सिस्टम नीचे तक आता है सर, सिस्टम का असर पड़ता है। मैं तो मुझे कोई कहता है कि तुम्हें तुम्हारी यूनिवर्सिटी में मुझे दाखिला चाहिए, तो भाई वो मुझे कह रहा होता है कि यार कोई मेरी बात करवा दो, कोई कोई कॉन्सेप्ट ही ये बन गया कि भाई कोई सफारिश के बगैर तो कोई बंदा बात करता ही नहीं है, कि हर कोई कहता है कि भाई मेरी इधर सफारिश करवा दो इधर, तो मैं मतलब सफारिश के बिल्कुल खिलाफ हूँ कि सफारिश वाला सिस्टम होने, तो नीचे तक ये सिस्टम आ गया, ऊपर से चलता है नीचे तक आता है कि हर जगह सफारिश चल रही, इसी तरह करप्शन ऊपर से नीचे। यहाँ से ही जब हम बाहर जाते हैं हमारे माइंड ऐसे ही सेट हुआ होता है, हम वहाँ पे जा भी ये काम करते हैं। काफी हद तक बात भाई ने ठीक किया कि भाई जैसी हमारी गवर्नमेंट होगी, जैसे हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होंगी, जैसी हमारी गवर्नमेंट का इमेज होगा वैसे ही हम करेंगे और फॉरन में हमारी वैसी इमेज होगी। बात को वाइंड अप करते हैं, बड़ा अच्छा लगा इन दोनों से बात करके। मतलब स्टूडेंट हैं, यूथ हैं और पॉजिटिव सोच रखते हैं और चीज़ों को जानते हैं कि भाई दुनिया में दूसरे कंट्रीज नेबर हों या कोई भी कंट्री हो, वो अगर डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है तो उसे अप्रिशिएट करने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। हमारे यहाँ पे तो ये कंसेप्ट भी दे दिया जाता है कि भाई इंडिया की तो बात ही ना करो, यानी वो हर चीज गाने उनके सुन लो,
टिकटॉक उनकी, टिकटॉक तो वो यूज़ नहीं करते, मूवीज़ उनकी देख लो आप, उनकी मतलब ये है कि उनके जो उनसे हीरोज़ हैं या जो भी उनके अपना वो सेलिब्रिटीज़ हैं उन्हें फॉलो कर लो, लेकिन उनकी बात एजुकेशन में ना करो, मुकाबला ना करो। आप मुकाबला करोगे आप गद्दार हो जाओगे कि आप इंडिया का नाम क्यों ले रहे हो। बस यही तो हमारे यहाँ भी बात आती है ना कि हमारे जो बड़े हैं वो नहीं चाहते ऐसा हो ना, क्योंकि डीप इनसाइड तो हर बंदा चाहता है कि हम भी, हमारा एजुकेशन सिस्टम भी बेटर हो, सीखे गवर्नमेंट भी बेटर हो, हम भी स्किलफुल हो, लेकिन वो हो नहीं पाता है क्योंकि हर कोई तो करप्शन खाने में लगा हुआ है, हर कोई अपनी अपनी जेब भरने में मसरूफ है। हम बिल्कुल अपना माइंड साफ नहीं करेंगे, मुल्क के लिए नहीं सोचेंगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप इस सवाल का क्या जवाब देंगे, उसके बाद फिर आगे किसी और से बात करते हैं। मुझे बताएं क्या वजह है इंडिया की मूवीज देखते हैं, ईमानदारी से बताइएगा, मतलब ये पाकिस्तान में मोस्टली देखी जाती हैं? यस सर, कभी देख लेते हैं। ठीक है, गाने भी हम यहाँ उन्हीं के ज़्यादातर सुनते हैं, फिर उनका एजुकेशन सिस्टम को क्यों नहीं देखते, उनकी इकॉनमी को क्यों नहीं देखते, उनकी फॉरेन पॉलिसी को क्यों नहीं देखते? वहाँ पे अगर कोई बात करता है अगर मेरे जैसा, तो ये कह दिया जाता है कि यार ये तो देखो उनकी तारीफ कर रहे हैं। सर पता क्या है, एक तो इंडिया के ऊपर क्रिटिसिज्म जो है ना वो बनता है इस वजह से नहीं है, क्योंकि हमारे बहुत सारे और भी दुश्मन हैं और वो जो है ना वो हमें इंडिया के साथ उलझाते रहते हैं ताकि पाकिस्तान इंडिया के साथ ही उलझा रहे। ऐसा ही है। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान को किसी से एजुकेशन सिस्टम सीखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। इनके पास खुद इस्लामी सिस्टम है, वो इस्लामिक एजुकेशनल सिस्टम को लेके आए, उस जब उसको लेके आएंगे ना तब ये, क्योंकि पाकिस्तान तरक्की इस वजह से नहीं कर पाता कि ये इस्लाम के वो ना मानने की वजह से ना उसके दरमियान में फंसे हुए, और ये लोग कहते हैं कि हम इस्लाम की वजह से तरक्की नहीं कर रहे ना उधर के। अच्छा, तो फिर यानी पाकिस्तान बना किस नाम पे? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, पाकिस्तान का ये मतलब है। लेकिन पाकिस्तान में मैं बहुत से प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि ना तो बैंकिंग सिस्टम जो है वो इस्लाम के मुताबिक है, इसके अलावा हमारा इवन यूनिवर्सिटी का सिस्टम, बहुत से ऐसे मामला हैं, कोई भी सिस्टम इस्लाम के मुताबिक नहीं है। आपको क्या लगता है जो इन्होंने बात की है कि भाई इस्लामिक निज़ाम शरी निज़ाम आ जाए आज के दौर में? मेरा एक ये सवाल है, हम शरी निज़ाम ला के दुनिया के साथ चल सकते हैं? पहले नंबर पे तो IMF के जो पैसे देने हैं वो शरी निज़ाम के साथ दे पाएंगे? ये तो मतलब मैं आपसे भी पूछूंगा। बिल्कुल, ये बात तो है, लेकिन हमें ना बेसिकली ना ये बीच की चीज़ में फंसना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर हम एक तरफ के हो जाएंगे तो फिर हम डेवलपमेंट में जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर बीच में फंस जाए, इधर की भी नहीं रही उधर की भी नहीं रही, तो वो पाकिस्तान बन जाएगी ना। यानी जो इधर की नहीं रही उधर की नहीं रही वो पाकिस्तान बन गई, क्योंकि हम भी वही वाली मिसाल है। अब इस तरह से क्या कह सकते हैं, कंफ्यूज नेशन नजर आ रहा है। आप क्या कहते हैं, आपने बोला कि इस्लामिक निज़ाम, नो डाउट, अगर मतलब ये है कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बनाए, अगर हमारी गवर्नमेंट ऐसा करती है, अफगानिस्तान में एग्जांपल है, तो देखें गवर्नमेंट के जो फैसले होंगे वो इस्लाम इज अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। ठीक है, हर चीज के अंदर रहनुमाई करता है, हर चीज एक छोटी सी चीज है उसके बारे में रहनुमाई करता है। फॉलो क्यों नहीं कर रहे हमारे हमारे पॉलिटिशियन क्यों नहीं फॉलो कर रहे? मजहब के नाम पे पहले पाकिस्तान ले लिया, अब पाकिस्तान में जो हम आपस में लड़ने लग पड़े यहाँ पे जो सर, इसके अंदर दो चीजें देखी जा सकती है। एक ये देखा जा सकता है कि सिस्टम जो है ना वो लोगों को थोड़ा सा बेहयाई की तरफ लेके जा रहा है। दूसरी चीज ये देखी जाती है कि सारे जो लोग हैं ना वो मिलके गवर्नमेंट को तश्कील करते हैं, जो सारे लोग हैं वो अब तकरीबन मतलब कह सकते हैं कि वो सारे इस्लाम से बहुत दूर जा चुके हैं, तो गवर्नमेंट भी उसी तरह की। शुरू में आपको पता है कि गवर्नमेंट इस तरह की होती थी कि PTV चैनल चलता था, उसके ऊपर भी कोई इस तरह की फहाशी वाली चीज़ नहीं आती थी। लेकिन जो मैंने इनसे क्वेश्चन किया कि भाई अगर इस्लामिक निज़ाम आ जाएगा, सूद का सिस्टम खत्म हो जाएगा, ये तो पहले नंबर पे हमें सारे बैंक बंद करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद वर्ल्ड बैंक, IMF या जितने भी कंट्री से हम लोन पे पैसे लेते हैं, वो हमें कैसे देंगे? ये मैं आपको बताता हूँ, अगर पाकिस्तान के अंदर इस्लामिक सिस्टम आ जाए, कोई बंदा चोरी नहीं करेगा, कोई बंदा करप्शन नहीं करेगा। अच्छा। उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि पाकिस्तान का रेवेन्यू जो अब आ रहा है उससे शायद 100% बढ़ जाए। ठीक है। और फिर हम वो कर्जा उतार दें। वो कर्जा इजीली उतर जाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान को देख लें, उधर के 70 रुपए का $1 है। ठीक है, अफगानी जो है करेंसी वो 70 इस टाइम हमारे से बेहतर है, इस वक्त हमारे से बेहतर है। और हम ये देखें कि अफगानिस्तान को आजाद हुए कितनी देर हुई है, और उस वक्त उसकी करेंसी 200 के करीब थी। 200 अफगानिस्तान के लोग यहाँ पे जॉब करते रहे हैं। इस्लामिक सिस्टम का हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर हर बंदा सुकून की नींद सोता है, कोई चोरी नहीं होती। ठीक है, कोई चोरी नहीं होती, थोड़ी सी दहशतगर्दी है, थोड़ी सी दहशतगर्दी है, मुझे इंफॉर्मेशन है, थोड़ी सी दहशतगर्दी है, लेकिन सर चोरी चकारी वाला सिस्टम बिल्कुल खत्म है, सिर्फ इस्लामी निज़ाम की वजह से। और मैं हूं ना सर, हमने फार्म बनाया हुआ है, तो बिल्कुल हर वक्त चोरी से डरते रहते हैं कि भाई कोई ना कोई बंदा उधर होना चाहिए। जब हर किसी को कोई काम होता है तो हम तंग हो रहे होते हैं, तो अफगानिस्तान का सिस्टम कितना बेहतर है हमारे। अच्छा, अगर ये ऐसा वहाँ पे वाकई में है, क्योंकि मेरा वहाँ विजिट नहीं हुआ, इतना नॉलेज नहीं है, और उस अफगानिस्तान से इतनी खबर भी यहाँ नहीं आती कि वहाँ पे पब्लिकली लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे मामलात हैं, लेकिन अफगानिस्तान का इतना मुझे पता है कि भाई उसके चाइना के साथ भी रिलेशन बेहतर हो रहे हैं, वो उसके साथ प्रोजेक्ट कर रहा है, इसके अलावा इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हो रहे हैं। ठीक है, यानी वो इस्लामिक निज़ाम होते हुए भी ये नहीं कह रहा कि वो हिंदू कंट्री है
है वो जो सा वो नॉन मुस्लिम कंट्री है हमने रिलेशन वो तो चाइना इंडिया कहता ही नहीं है सर। हाँ। इस्लाम ये कहता ही नहीं है कि कोई हमें तो ये बताया जाता है यहूदी नसारा और ये चीज़ें हैं आपके साथ कभी जो सा आप उनके साथ रिलेशन ना बेहतर करो ये चीज़। सर यहूदियों के अंदर दो ग्रुप बताए जाते हैं कि एक ग्रुप है जो अच्छा है और एक ग्रुप है जो बुरा है। जो हमारे साथ बुरा करता है उसके साथ हमें रिलेशन नहीं बनाना चाहिए। वो तो कोई भी मजहब हो जो हमारे साथ गलत करेगा वो, लेकिन जो गलत नहीं करेगा हाल ही हम वैसे कंसेप्ट ये बना देंगे कि वो है ही गलत। मैं आपको बताता हूँ सर, मैं भी तो आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ, मैंने भी तो कहीं सुनी है। तो हर बंदे को अपनी सर्च रखनी चाहिए। जो जाहिल है तो उसने उसको ये चीजों का नहीं पता लगेगा तो वो किस तरह सारे काम। मोस्टली पाकिस्तान में लोग ऐसे ही, आप किसी से भी बात कर ले पब्लिक में जाके बात कर ले वो यही कहेंगे कि भाई नहीं नहीं हमें ना, हम ऐप्स सारी यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर लें गूगल कर लें जो भी ये मामला ये जितनी भी ऐप्स हैं या सॉफ्टवेयर हैं हम यूज़ कर रहे हैं सारे नॉन मुस्लिम्स के, लेकिन नफरत भी हमें उन्हीं से है। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? इससे हम यही कहेंगे कि हमें नफरत नहीं करनी चाहिए, हमें उनको उनसे सीखना चाहिए कि वो किस चीज़ की तरक्की कर रहे हैं और क्यों तरक्की कर रहे हैं, एक डिसिप्लिन क्यों है, ठीक है, उसकी वजह से हमें उनसे सीखना चाहिए, सीखने की जरूरत है। अच्छा लगा जी बात करके, दोनों की जो ओपिनियन थी काफी हद तक मैं उनसे एग्री करता हूँ, कुछ बातों से डिसएग्री भी करता हूँ लेकिन उनकी अपनी ओपिनियन। आइए मजीद किसी से बात। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? आसिम। क्या करते हैं सर आप? मेरे पास वेंडरशिप है, मैं मेजान बैंक के साथ रिलेटेड हूँ, एज ए कार रजिस्ट्रेशन एजेंट उनके साथ काम कर रहा हूं। ठीक हो गया सर, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान में बड़ी तादाद से यूथ जो उनसे खास तौर पे वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाने की एक तो कोशिश में है, जाना चाह रही है और जा भी रहे हैं, कुछ लीगल वे में कुछ इलीगल वे में डंकी वगैरह के थ्रू। लेकिन वहाँ पे अब इशू ये आ रहा है कि अगर यूएस की बात करें वो लोग हमें वीज़ा नहीं आसानी से दे रहे, वो लोग प्रेफर कर रहे हैं दूसरे कंट्रीज़ को कि वो मतलब दूसरे कंट्रीज़ लाइक अगर इवन हमारे से ज़्यादा बांग्लादेश या इवन इंडिया की बहुत ज़्यादा जो उनसे वो डिमांड है इंडियन जो उनसे वहाँ पे वर्कर या एम्प्लॉयज़ हैं। क्या क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? ब्रॉड स्पेक्ट्रम आपने क्वेश्चन किया, इसके मुख्तलिफ जवाब मैं दे सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट ये करते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है ना वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ठीक है, नई इंडस्ट्री नहीं लग रही, इन्फ्लेशन रेट लास्ट टाइम मंथ की रिपोर्ट ये कि 41% पे पहुंचा, 43% पे पहुंचा हुआ है, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ठीक है। जब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तो बच्चों ने लोगों ने उन्होंने मूव करना है। दूसरा आपका सवाल का जो था वो ये था कि हमें वीज़े नहीं दिए जा रहे हैं, प्रेफर इंडियंस को किया इंडियंस को किया जा रहा है। देखिए तीन तरह के लोग होते हैं ना, एक तो सबसे पहले ये कि स्किल्ड लेबर आपकी, स्किल्ड तबका जितना है डॉक्टर्स हैं इंजीनियर्स हैं मेमार हैं आपके इलेक्ट्रिशियंस हैं, इन लोगों को तो जॉब वीज़ेज भी मिल जाते हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं इनको वीज़े मिल जाते हैं। सेकेंडली तबका आता है कि जो अफोर्ड कर सकता है, ठीक है ना। अब बहुत सारे हमारे भी जानने वाले गए हैं, वो 8 million, 9 million, 10 million की स्टेटमेंट हो तो उनको भी वीज़े स्टूडेंट वीज़े वगैरह इशू हो जाते हैं, वो लोग भी लीगल वे से चले जाते हैं। तीसरा एक तबका आता है कि जो बिजनेसमैन है जिसके लिए मुख्तलिफ कंट्रीज़ ने ऑप्शंस किए हैं कि जी आप 60 million तक 70 million तक उनके अकाउंट्स में करें, मुख्तलिफ रियासतें वगैरह यूरोप वगैरह में वो दे रहे हैं वीज़े वगैरह दे रहे हैं। मेन इशू ये है कि आप वहाँ जाके भी फौरी तौर पे तो सेटल हो नहीं पाते, ठीक है। और लोग क्यों जा रहे हैं? लोग जा रहे हैं बॉस जो हम इस चीज़ को समझते हैं कि बिल्कुल इस वक्त जो है ना वो इम्पोर्ट बंद है, मटेरियल मौजूद नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग रुकी हुई है, अगर कोई चीज़ मिल भी रही है तो वो आपकी कुव्वत खरीद से ज़्यादा है। कहीं एक ये रीज़न भी नहीं है कि भाई पाकिस्तान में कन्फ्यूजन से एक बड़ा माहौल बना है कि पता नहीं आने वाले 5 साल में क्या होगा, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि मज़ीद हालात ख़राब होंगे, बल्कि ज़्यादा लोगों को ये लग रहा है कि मज़ीद हालात। जिस वक्त गवर्नमेंट एक ऐलान कर देती ना कि अब हम ये करने लगे हैं, ठीक है ना, और वो चीज़ उस मुकर्रा वक्त में नहीं होती। मसलन पाकिस्तान ने अभी तारीख का बदतरीन सैलाब देखा आज से 1.5 साल पहले, ठीक है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि जी इतने अरब डॉलर की जो है ना वो हमें इमदाद मिलने लगी है, जब वो इमदाद नहीं आई है तो मार्केट बैठ जाएगी। अभी पिछले दिनों हम सुन रहे थे जी कि 72 अरब डॉलर जो हैं वो पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी आएगी, वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ खबरों की हद तक था। तो जब ये चीज़ें मार्केट में नहीं होती, अब IMF का प्रोग्राम है, IMF का प्रोग्राम के सेकंड उनका शेड्यूल चल रहा है, अगर वो आ जाता तो मे बी पॉसिबल मार्केट में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाए, लेकिन अदरवाइज इस वक्त तो बिज़नेस चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तीसरा जो स्टेट बैंक की मॉनिटरिंग पॉलिसी है, मसलन मैं एक छोटी सी इंडस्ट्री से रिलेटेड हूँ, व्हीकल इंडस्ट्री, इस वक्त वो मैसअप इस वजह से हुई हुई है कि स्टेट बैंक की पॉलिसी की वजह से, जब तक बैंक्स कार फाइनेंसिंग नहीं करेंगे वो इंडस्ट्री नहीं चलेगी, ऑब्जेक्शंस लगा दिए। सर इधर एक चीज़ में मेरे माइंड में सवाल आया कि मतलब आपको क्या लगता है कि अगर यही सिचुएशन चलती रही आपको नहीं लगता कि हम आइसोलेट हो जाएंगे दुनिया से? एक तो ये है कि
बाहर के कंट्रीज हमारे यहाँ पे आके एक तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे और हमें वहाँ जॉब्स के लिए भी नहीं बुला रहे, ये एक बड़ा इशू। आइसोलेट हुए हैं और कैसे आइसोलेट? अच्छा, आप ही आइसोलेट हो चुके हैं आपके ख्याल से? पूरा पूरी कंट्री आइसोलेट हुई हुई है इस वक्त। किस ब्रदर इस्लामी मुल्क से आपके ताल्लुकात अच्छे चल रहे हैं? हर एक के तो आपने पैसे देने, इसलिए वो आपको, नहीं तो वो तो आपको कब से आपसे सलाम कर लेते, आपसे ताल्लुक तोड़ लेते, इस वजह से नहीं तोड़ते कि आपने उनके पैसे देने। अच्छा, ये बात तो वाकई में है, मतलब अगर हम इस्लामिक कंट्रीज की और नेबर कंट्रीज की बात कर ले, ईरान अफगानिस्तान जो रिलेशन है, देखें हम चाइना हमारा हर मुश्किल वक्त में हमारे साथ आया, लेकिन हमारी पॉलिसीज चाइना को भी नहीं पता लगता कि यार इनकी चाइनी इनकी पॉलिसीज जो है वो चाइना की तरफ जा रही है या अमेरिकन पॉलिसी इनकी चल रही है, तो वो तो हमें हम सारी सारा मुल्क ही कन्फ्यूज है। ठीक है, हमारा मुल्क देखें जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनकी तरक्की की रीज़न क्या है कि उनके अपने करीबी ममालिक के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। हमारे तरफ एक तरफ ईरान मौजूद है जिसकी हमें सस्ती चीज़ें मिल सकती हैं, पेट्रोल मिल सकता है, वो बेशुमार मसनूआत हैं, वो उनके ऊपर पाबंदियां थी, वो अपने सब कुछ अपने मुल्क में खुद बनाते हैं। नहीं तो सर, इधर ये इधर भी एक बात आती है, आपने बोला उनके ऊपर पाबंदियां थी, रशिया के ऊपर भी पाबंदी लगी ऑयल के हवाले से, इंडिया ने और कंट्री मतलब इंडिया ने खास तौर पर ऑयल लिया, तो ईरान हमारा इस्लामिक कंट्री नेबर कंट्री, हम क्यों नहीं ले लेते? हमने चांस मिस कर दिया जिस वक्त हमें 30-40% का तेल मिल रहा था। अब जिस वक्त रशिया पे पाबंदी लगी है और वो इंडिया को तेल दे रहा है, क्योंकि पाबंदी रशिया लगी हुई इंडिया पे नहीं लगी हुई, तो ऐसे ही ईरान पे लगी है, हमारे पे तो नहीं लगी। रशिया अपना तेल इंडिया के थ्रू बेच रहा है, जो पिछले 2-2.5-3 साल के अंदर इंडिया के अंदर एकदम बूम आया है, उसकी रीजन वो रशियन ऑयल है जिसे हम फायदा उठा सकते थे, लेकिन हमारे जो साहिबे फैसला करने वाले लोग हैं जिनके पास इस्तेआत है फैसला करने की, वो उस चीज पे राजी नहीं हुए। बहरहाल दूसरी चीज आ जाती है, यही केस हम ईरान की सिचुएशन मतलब केस में भी कर सकते हैं ना, कि ईरान का ऑयल हम सेल करते हैं, उन पे पाबंदी है, हम पे तो नहीं। भाई मेरे, आप जाएं, आप जाके ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर आपके अपने मुल्क से 100 गुना बेहतर है, सफाई सुथराई, हिफ्जाने सेहत, एजुकेशन, हर चीज में वो हमसे आगे हैं, तमाम पाबंदियों के बावजूद। ठीक है, उनके पास एक प्लस पॉइंट था कि पाबंदियों के बावजूद उनके पास ऑयल अपना मौजूद था। ठीक है, लेकिन और भी बेशुमार अवामिल हैं। एक तरफ हो गया आपका ईरान जिसके साथ आपकी खुली ट्रेड नहीं है, ठीक है, दूसरी तरफ आगे आ गया आपका अफगानिस्तान जिसके साथ आपका इशू ना ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि अफगानिस्तान का तमाम इन्हिसार आपके ऊपर ही है, उन्होंने रहना आपके मुल्क में, गुजरना आपके मुल्क से है, तिजारत आपके मुल्क से करनी है, तो आप नहीं कर सकते। मैं एक डॉक्यूमेंट्री थी या किसी का लिखा हुआ था कि पाकिस्तान की मईशत अगर 8,000 अरब रुपए की है तो उनमें से 3,000 अरब रुपए अफगानिस्तान का हिस्सा है, अफगानिस्तान जुड़ा हुआ आपके साथ। इलामा इकबाल ने कहा था कि अफगानिस्तान में अमन होगा तो वस्त एशियाई रियासतों तक अमन होगा, ऐसे ही है। तो जब अफगानिस्तान के हालात खराब होंगे तो वस्त एशियाई रियासतें भी तरक्की नहीं कर सकती। हमने बेहतरीन मौका गंवा दिया। अभी ये सवाल नहीं मैं करूंगा, क्योंकि आज हम सवाल कर रहे हैं यूथ के हवाले से, ये सवाल नहीं करूंगा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन किसने खराब किया, ये किसी दिन फिर कोई टॉपिक रखेंगे जो मतलब अफगानिस्तान में वार की सिचुएशन रही, पाकिस्तान का क्या रोल रहा। लेकिन अच्छा, आगे दो साइड होगी, फिर अफगानिस्तान से आगे तीसरा चाइना है, जिसको चाइना को खुद समझ नहीं आती कि यार हम इनको पैसे देना चाहते हैं, हम इनके मुल्क में इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, ये रोज ही एक नई चीज निकाल देते हैं। ठीक है, बनाना हो तो ये आप 1.5 महीने के अंदर एक पुल बना के खत्म कर देते हैं, और अगर ना बनाना हो तो 8.5 साल के अंदर आप एक सड़क नहीं मुकम्मल कर पाते। गेम चेंजर मंसूबा आप उसको चला ही नहीं पा रहे क्योंकि आपकी नीयत नहीं है, वल्ला आलम आप क्या करना चाहते हैं। और खैर से जो इधर बैठा हुआ है वो हमारा अजली अबदी दुश्मन बैठा हुआ है, लेकिन उनके आगे जाने की रीज़न क्या है ये भी तो देखना पड़ेगा ना। हम तो चले इंडिया के आगे जाने की, हाँ, हम तो पीछे जा रहे हैं, उनके आगे जाने की रीज़न क्या है। 95 में इंडिया ने अपने बेंगलोर सिटी को, बेंगलोरो जिसे आप कहते हैं, उसे आईटी सिटी डिक्लेयर कर दिया था। 20-30 साल के अंदर उनकी 100 बिलियन डॉलर से ज़्यादा उनकी एक्सपोर्ट्स हो चुकी हुई हैं। यहाँ पे आपकी आईटी की एक्सपोर्ट्स, हालांकि पाकिस्तानी स्टूडेंट पाकिस्तानी जहीन कौम जो है वो सेकंड नंबर पे जहानत रखती है, लेकिन पाकिस्तान की एक्सपोर्ट अभी तक 7 अरब डॉलर पे पहुँची हैं। इतना फ़र्क है, और इसमें सर्विसेज भी शामिल हैं, 7 बिलियन डॉलर्स में सर्विसेज भी शामिल हैं। अगर इसी एक सेगमेंट को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस पर तरक्की तवज्जो देना शुरू कर दे तो यही सेगमेंट जो है वो चले, हम नहीं कहते कि यार वो ठीक है 1.25 अरब की आबादी है वो 100 बिलियन डॉलर्स कर सकते हैं, तो हम भी जनाब 200 बिलियन तो को 25-30 अरब डॉलर तो हम भी कर सकते हैं ना। हाँ। सारा पाकिस्तानी बाहर बैठा हुआ है, जितना आपका एलीट क्लास का डॉक्टर है अमेरिका के अंदर बैठा हुआ है, वो पाकिस्तान के कर्जे उतार सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। मैं नहीं कहता इश्यूज है ना, मतलब वो कहते हैं कि इस गवर्नमेंट को हम पैसे देंगे वो पाकिस्तान के कर्जे उतारे। पहले एक दो दफा ऐसी स्कीम भी चली है कि भाई पाकिस्तान को कर्जा उतारना है, जितने भी ओवरसीज हैं पैसे दें या पाकिस्तान से लोग उनसे, आप उनको मुश्किल वक्त में आवाज दे देते हैं। वोट डालने का वक्त आता है तो आप कहते हैं पाकिस्तानी नहीं, आप पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स नहीं समझते हैं। जब आपका एक मिनिस्टर बैठ के ऐसे अल्फाज